गुड मॉर्निंग। देखिए हम बहुत ही एक अच्छा जो हम लोग का सबका डिमांड क्या था कि सर तेल आना चाहिए, क्योंकि हर एक घर में हम लोग यहाँ डिएक्शन से भी इनकम करते थे, तो कहाँ चले जाता था मेरा पैसा, मार्केट में तेल में चले जाता था। तो आज देखिए कि बहुत ही अच्छा तेल आपको क्या किया है कि ये राइस ब्रान ऑयल तेल कंपनी आपको दी है, ठीक है, ये फिजिकल रिफाइन राइस ब्रान ऑयल है। अब देखिए कि हमको ये तेल क्यों खाना चाहिए। अभी बहुत आदमी का क्वेश्चन होगा कि जो भी अभी जो पहली बार इसको उपयोग करेंगे तो इसके मन में होगा कि सर ये राइस ब्रान ऑयल तेल है क्या, इस तेल में क्या है, बहुत सारा आदमी को क्वेश्चन होगा क्योंकि मार्केट से क्या है हटके है। तो आप देखिए कि राइस ब्रान ऑयल तेल में जैसे एक WHO का एक आप सर्वे था कि तो कब था आपका कि 7 जुलाई 2005 का एक रिपोर्ट है जिसमें कि बताया गया है कि कौन सा तेल आपको खाना चाहिए। जैसे अभी जितना भी तेल है तो अभी बहुत सारा तेल यहाँ पर देखिए हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर है कि देसी घी, अगर देसी घी का बात करिएगा तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, कहिए पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका परसेंटेज होता है। वो फैटी एसिड का क्या होता है कि परसेंटेज होता है कोई तेल में कि कौन सा तेल हम लोग को खाना चाहिए। अब मान लें पहला क्वेश्चन है कि कितना आपका रहना चाहिए, अगर इसमें रहना चाहिए 27 से 33, इसमें 27 से 33, 33 से 40। अब अगर सब तेल का अगर तुलना करिएगा तो आपको लगेगा कि सब तेल में भिन्न है, और एक आपको लगेगा कि मूंगफली का तेल में एक राइस ब्रान ऑयल तेल में क्या है समान मात्रा में कुछ कि मार्केट से अच्छा तेल है इसको आप खा सकते हैं। तो पहला हम आपको देसी घी के बारे में बात करेंगे। तो देसी घी में देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड 67 है, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 0.3 है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है 30 है। अगर इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का बात करिएगा इसमें है ही नहीं। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, कोई भी शरीर में अगर कोई कचरा रहता है तो इसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तेल भी है कि आपके खाना में जाकर आपके जो भी शरीर में क्या होता है कि आपको कब्ज नहीं पैदा होने देगा, अगर अच्छा तेल खाइएगा तो गैस आपको पैदा नहीं होने देगा। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का बात करिएगा तो घी में है ही नहीं आपको, ठीक है। अगर ये आपका वनस्पति कहिए तेल का बात करिएगा, यहाँ वनस्पति तेल का भी बात करिएगा तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड 60 है, कहिए पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपका क्या है 0.3 है। अगर आपका मोनो कहिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बात करिएगा 40 हो जाता है। अगर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का बात करिएगा तो इसमें हाई ही नहीं। तो बहुत सारा तेल में अगर देखिएगा तो कहिए आपका बैलेंस नहीं है। एक आप सनफ्लावर ऑयल में देख लीजिए, सूर्यमुखी का जिसको हम लोग कहते हैं सनफ्लावर ऑयल, इसमें भी सैचुरेटेड फैटी एसिड का बात करिएगा तो 12 है, इसमें पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बात करिएगा तो 69 है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करिएगा 19 है। इसमें एक वो एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब कि हो गया कि इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट है कि जो मेरे आपके शरीर से कचरे को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। फिर इसके बाद आप आइएगा आपका मस्टर्ड ऑयल, मतलब कि सरसों का तेल अगर हर एक घर में खाया जाता है, ठीक है, हम दो चार गो तेल का तुलना लेते हैं क्योंकि बहुत सारा तेल अगर बात करिएगा 7-8-10 गो तेल का इस पर आपका सर्वे है, क्योंकि ये अगर बात करिएगा बहुत आदमी का क्या होगा अगर इसको करिएगा तो हम इसमें आपका बहुत जल्दी हम क्या कर रहे हैं कि एक एक पेज का, जैसे कि अभी आपको क्या करेंगे कि पूरा अगर पेज में लिखेंगे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि किसका क्या परसेंटेज आपको रहना जरूरी है। तो जैसे अभी हर एक आदमी क्या करिए, जैसे अभी हम आप लोगों क्या किए हैं ये वाला लिफलेट अपने ग्रुप में क्या करिए शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, इससे क्या होगा कि लोग इसका परसेंटेज जान पाएंगे कि कितना क्या परसेंट रहेंगे। जैसे अगर यहाँ पर हम नज़दीक से दिखाएंगे तो अगर आप लोग भी अगर इस साइड से अगर देखिएगा इसमें क्या है कि ये आपका दिया गया है। तो पहला क्या है कि हर एक आदमी क्या करिए, अभी हम इसका फोटोकॉपी क्यों करवाएं, क्योंकि जानकारी के लिए आप ये जानकारी लेके चलिए। आप यहाँ पर हो गया आपका मस्टर्ड ऑयल का बात करिएगा तो आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड कितना हो गया आपका 0.03, फिर आपका पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बात करिएगा तो 29 हो जाएगा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करिएगा 68। इसमें भी क्या है एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसको हम लोग सरसों का तेल कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। आज अगर बात किया जाए हम लोग यहाँ सबसे ज़्यादा कौन चीज़ खाया जाता है, कौन चीज़ खाया जाता है अगर बात करिएगा सबसे ज़्यादा, अगर हम लोग यहाँ सरसों तेल खाया जाता है, बस सरसों तेल भी बैलेंस नहीं है आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर बात करिएगा, इसमें भी एक वो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। अगर अभी सबसे पॉपुलर तेल क्या है, लोग बहुत सारे आदमी के यहाँ जाइएगा तो कहेगा कि हम मूंगफली का तेल खाते हैं, इसको लोग कहीं ज़्यादा, अगर अच्छा परिवार में भी जाइएगा तो उसका कहना क्या होता है कि हम मूंगफली का तेल में खाते हैं। अगर मूंगफली का तेल का भी बात करिएगा तो यहाँ 22 हो जाएगा आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और मूफा मतलब
आपका हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। इसमें क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब क्या है कि इसमें एक एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर राइस ब्रान ऑयल का बात करते हैं तो राइस ब्रान ऑयल पे आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड 24 है, तो 27 से 33 के बीच में रहना चाहिए। इस बात कही थी पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 34 रहना चाहिए, आपका यहाँ पर क्या है 33 तक रहना चाहिए। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ 42 है, यहाँ पर 40 है। मतलब अगर बात किया जाए तो राइस ब्रान ऑयल तेल क्या है कि हम लोग के लिए खाने के लिए सबसे योग्य तेल है। अगर इसमें बात करिएगा तो तीन तीन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, टोकोफेरॉल, टोकोटोन और जानोर, मतलब इसमें तीनों एंटी कैसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इसमें डाला गया है। अगर इस तेल को अगर आप लोग खाते हैं तो पहला क्या हो जाएगा, इसको लीजिएगा तो आपका तेलीय पदार्थ हाथ में नहीं बुझाएगा, ऐसे ऐसे करिएगा इसमें यार तेल आपको नहीं बुझाएगा। इसमें क्या है, ट्रांसफेट क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रांसफेट फ्री, मतलब इसमें तेल ही आपको चिपकेगा नहीं, यहाँ पे जब आप खाइएगा उसमें तेल चिपकेगा नहीं। प्लस इसमें क्या है कि 15,000 इसमें क्या है आपका, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 15,000 क्या है ओरिजिनल नॉल है, जो क्या है कि मेरे आपके शरीर में जो आपके भेन सब पे काम करता है, जो ऐठन संबंधी समस्या होता है उस पर भी काम करेगा। अगर किसी को हार्ट संबंधी समस्या है वह भी इस तेल को खा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, वो शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। तीसरा जो सबसे प्रमुख इसमें कारण है, ये तेल अन तेल की अपेक्षा क्या होगा आपका कम जलेगा। कम जलने का मतलब क्या है कि कम जलेगा तो क्या होगा, कोई भी तेल अगर कम जलेगा तो चिपकेगा कम। इसमें अगर पूरी बनाइएगा, कोई अगर भेज बनाइएगा, नॉन भेज बनाइएगा, मीट मछली बनाइए, इसी तेल में आप सब चीज़ बना सकते हैं। रसगुल्ला, लालमोहन, आप मिठाई भी बनाइए, चाहे आपके बुनिया बनाइए, कुछ भी सेवई सूजी जो भी आपको भुजना है यही एक एक ही तेल में आप काम कर सकते हैं, अलग से आपको तेल का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सर ये तेल अच्छा है कि नहीं है, अभी हम लोग क्या करते हैं सरसों तेल अलग, रिफाइन तेल अलग, वो तेल अलग दीप में जलाने के लिए, वो इसमें सब काम कर सकते हैं। दीप में भी हम लोग के घर में क्या होता है कि दीप में भी वही तेल जलता, आप जला के देखिएगा ना, जलेगा भी ज़्यादा देर। मेरा कहने का मतलब कि एक तेल ले जाइएगा तो देवता से लेकर घर से लेकर आप जिस चीज़ में उपयोग करना चाहेंगे सब चीज़ में आपका उपयोग हो जाएगा। प्लस क्या है कि अभी बहुत सारा आदमी का क्वेश्चन होता है कि सर जी इस तेल का कितना पड़ेगा, MRP DP क्या पड़ेगा। देखिए इसका MRP पड़ जाएगा आपका, MRP हो जाएगा इस पर लिखा हुआ यहाँ पर देखिएगा MRP आपका कितना है 550, इसका MRP हो जाएगा 550। DP का बात करिएगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 440 रुपया, और PB का बात करिएगा 110 PB हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका तेल का, इस पर आपको ये तेल से मिलेगा। तो अभी बहुत आदमी का क्वेश्चन होता है कि सर 220 रुपये लीटर तेल मिल रहा है, ठीक है। अभी बहुत जल्दी आपका सिक्स पैक मतलब हो गया फैमिली पैक का आपको तेल आएगा, उसमें क्या रहेगा 6 पैकेट रहेगा, उसमें कितना रहेगा 6 पैकेट रहेगा, ये 6 पैकेट आपको पैक रहेगा उसमें। उसका अगर दाम का अगर बात करिएगा, MRP के बारे में जितना हमको जानकारी नहीं है, DP का बात करिएगा तो 2430 हो जाएगा, अगर 6 पैकेट का है तो ये 660 PV भी आपको मिल जाएगा। अगर इसके हिसाब से बात करिएगा तो 203 रुपये लीटर आपको मिल जाएगा। अभी ये तेल अभी अवेलेबल नहीं है, अभी 2 लीटर में भी अवेलेबल है, बहुत जल्दी आपको आ जाएगा तो 203 रुपये आपको लीटर पड़ जाएगा। अभी बहुत सारा यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत आदमी का कहना है कि सर तेल तो बहुत 200 रुपये आपका 202 रुपये भी 3 रुपये भी महंगा बुझा रहा है। अगर जैसे हम अभी डायमंड हैं, अगर 110 PV पर अगर बात करिएगा तो हमको कितना बचेगा 37%, ठीक है। एगो हम लोग एग्जाम्पल आपको लेते हैं, अगर बात करिएगा तो 2 लीटर में मेरा कितना बच जाएगा 40 रुपया बच जाएगा। अगर 20 रुपया भी आप घटा देते हैं तो आपको 180 रुपये लीटर आपके ID पे बढ़ पड़ेगा कमीशन मिला के। ये नहीं कहिएगा कि हमको कमीशन छोड़ के, आपके ID पे जो कमीशन बनेगा इसके हिसाब से आने वाला समय में ये तेल अगर आप ID पे लेते हैं तो बहुत क्या मिलेगा आपको, सस्ता में मिलेगा। प्लस क्या है कि गाँव जाके हमको क्या करना है कि तेल के बारे में जानकारी देना। अभी हम आप क्या करते हैं, अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले आज ले जाइए अपने घर में उपयोग करिए। जब तक अपने घर में आप उपयोग नहीं करिएगा दुनिया को क्या बता पाइएगा। गैस के लिए पहले हम लोग चाय पत्ती का प्रचार करते थे, तो आज के डेट में क्या करना है आप गैस के लिए हमको तेल का प्रचार करना है। कोई बीमारी में है तो चाय पत्ती दीजिए ना किसी को, मान लीजिए कि आप गैस के साथ किसी को लिकोरिया है तब चाय पत्ती देना है, गैस है तो इसी का प्रमोशन करिए ना। ये आदमी को सस्ता लगता है, आदमी का जरूरत का चीज़ है, अलग से इन्वेस्ट नहीं करेगा आदमी, इसको इन्वेस्ट कर सकता।
तेल इन्वेस्टमेंट है, हल्का महंगा बुझाएगा, उसको लगेगा गैस का समस्या खत्म हो रहा है, जो हम पहले अंग्रेजी दवा ले रहे थे उससे मेरा सॉल्व हो रहा है। तो आने वाला समय में क्या है कि तेल पर भी ज़्यादा फोकस करिए। तेल से क्या होगा, जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो आप क्या करिएगा, अरे आप तेल ही बेचिएगा कहीं पर, तो हमको कितना पड़ेगा, 200 रुपये, 200-300 रुपये लीटर, मतलब IDP पे हमको कैसे पड़ेगा, कुछ डिफरेंस पड़ेगा। तो अगर महीना में, अगर दिन में अगर हम 10 लीटर तेल भी बेच दिए तो 100 रुपया तो कमा लिए तेल से। बात को समझिए, क्योंकि तेल आज के डेट में क्या है, घर घर जरूरत है। हर एक जो गरीब आदमी वो भी तेल खाता है, जो अमीर आदमी है वो भी तेल खाता है, और हर एक घर में 5 लीटर, किसी के घर में 10 लीटर 12 लीटर तेल खपत में है। तो इस तेल पर हम लोग क्या करना है, आज के बाद जो भी आदमी है तो तेल अपने घर में ले जाइए। पर जैसे आप लोग का मान लीजिए बहुत आदमी का कमीशन बनता है, तो 10 तारीख के ही आप क्या करिए, कम से कम अपने घर में क्या करिए, 5 गैलन रख लीजिए, इसको खाइए भी, और जो आपको अगर अगल बगल का आदमी मिलता है तो इसको क्या करिएगा, बेच भी सकते हैं। किसी आदमी को गैस के नाम पे तेल आप दे सकते हैं। इतना दिन चाय पत्ती देते थे आदमी, क्या लगता था भारी, बाप रे बाप बहुत महंगा है, मगर आज के डेट में क्या है, तेल है, कहीं ना कहीं वो खा रहा है, नहीं समझे, ज़्यादा आपको दया आ रहा है तो क्या करिए, ID पे दे दीजिए। ID से कम रेट में आपको नहीं बेचना है। हम आप दिमाग क्या लगाते हैं कि ID से भी 5 रुपया कम देंगे तो हमको लालच कभी किसी को मत दीजिए। आपको क्या करना है कि 200-300 रुपये बचता है, अगर बहुत आदमी है 200, मान लीजिए 400-600 रुपया हुआ, तो 5 रुपया नहीं दिया वो अलग मैटर है, मगर इसको क्या कहना है, 400-600 रुपया हमको ID पे पड़ता है। बात को समझे कि नहीं समझे, मगर आदत लग गया तो महीना में क्या होगा, 6 लीटर लिया तो आपको 330 रुपये भी दे कर चले गए आप। इसीलिए कि जो भी आदमी है, तेल पर अगला बार भी हम आपको वीडियो बनाए थे, हर एक आदमी को अवेयर इसीलिए कर रहे हैं कि तेल पहले नहीं था तो हम लोग खुल के बोलते नहीं थे कि हमको तेल, कौन सा तेल खाना चाहिए, मगर अब तेल है तो तेल के बारे में बताने में क्या दिक्कत है, कंपनी का क्या है, एक हिस्सा है ये। पहले आप किसी तेल के बारे में नहीं बता सकते थे ये तेल खाइए, वो आपका, आप कंपनी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, मगर आज तो हम गर्व से कह सकते हैं कि भैया मेरे पास तेल है खाने वाला, इस तेल को खा के देखिए गैस का समस्या खत्म हो जाएगा, हार्ट का समस्या खत्म हो जाएगा, बहुत सारा समस्या आपका खत्म हो सकता है। बताने में कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, जो भी इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सपोर्ट भी करिएगा। गुड मॉर्निंग।